सो वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक और बार हमारे माइनक्राफ्ट के इस वीडियो में। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वर में कैसे लैंड क्लेम करना है। तो गाइस, बहुत बंदे मुझे लास्ट टाइम में पूछ रहे थे कैसे लैंड क्लेम करना है, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के लिए गाइस लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। एंड चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको लैंड क्लेम करने के लिए आपको पता करना है कोई दूसरा बंदा कहाँ लैंड क्लेम किया है कि नहीं। तो उसके लिए आपको अगर स्टिक मारकर देख लेना है, किसी और ने क्लेम किया होगा तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो गाइस, पहले स्टिक मारकर आप चेक कर लेना कि किसी ने क्लेम किया है कि नहीं। एंड भाई बूम, बिचर क्रीपर फट गया भाई। क्या भाई शांति से क्रीपर काम नहीं करने देता है। एंड गाइस, जैसे आप लोग ने देखा मैं वहाँ पे ब्लॉक लगा कर ऐसे सीधा मैं ब्लॉक लगाते आ गया। एंड गाइस, आपको कुछ ऐसे ही कर लेना है। देखो गाइस, मैंने एकदम तिरछे साइड कोने में जाकर टच कर दिया ब्लॉक को। एंड गाइस, इतना काम होने के बाद ना देखो आपको लेना है गोल्डन शॉवल। एंड गोल्डन शॉवल आपको पहले मैं खाना खा लेता हूँ। एंड यस गाइस, गोल्डन एंड गोल्डन शॉवल का आपको यहाँ पर टच कर देना है। जैसे डायमंड ब्लॉक बन जाएगा आपको सीधे तिरछे में भाग कर जाना है। एंड यहाँ पर आपको आकर टच कर देना है। एंड बूम गाइस, आपको लैंड क्लेम हो जाएगा। ऐसे करके आप लैंड क्लेम कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको दोस्त को आपको जो आपको अगर ट्रस्ट देना है तो आपको भी बताने वाला हूँ कैसे आपका जो दोस्त है वो भी आपका चेस्ट एक्सेस कर सकता है, वो भी आपके एरिया में बिल्ड कर सकता है। तो उसके लिए आपको ट्रस्ट देना पड़ता है। तो आपके लिए मैं वही बताने वाला हूँ आपको आज। सो ट्रस्ट देने के लिए गाइस आपको खोलना है अपना चैट। एंड वहाँ पे आपको डालना स्लैश। एंड आपको देखो स्लैश TRUST ट्रस्ट देकर आपके जितने भी अगर आपको दोस्त को जिसको भी ट्रस्ट देना है उसका नाम लिख के आपको एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर खड़े होकर तो आपका वो ट्रस्ट आपको दोस्त के पास चला जाएगा। तो आपको एरिया यूज कर सकता है, चेस्ट खोल सकता है एंड बिल भी कर सकता है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया तो आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे गोल्डन सॉल मारेंगे और जितने भी आगे जाना आपको उतना आगे आप जाना गाइस। एंड आपके पास डायरेक्ट सीधा आपको चले जाना है। तो ऐसे आपको ऐसे भी एक दो तरीका कर सकते हैं। एंड गाइस, क्लेम करने के लिए आपको क्लेम ब्लॉक चाहिए रहता है। तो गाइस, ब्लॉक अपना बढ़ाने के लिए आपको माइनिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करना है तो आपका जितना भी क्लेम का एरिया गाइस ना, जितना भी ब्लॉक रहते हैं वो आपको वापस बहुत सारे ब्लॉक आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप ज़्यादा क्लेम कर पाएंगे। और दूसरा तरीका गाइस, स्लैश क्लेम आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप स्लैश क्लेम लिखेंगे तो एंड बूम गाइस, देखो एक मिनट गाइस, स्लैश क्लेम लिखना है, वो क्लेम्स नहीं लिखना है। जैसे आप सर्वर में नया आते तो आपके पास गोल्डन सवाल नहीं रहता है, तो आप स्टिक से जाकर मार देखिए किसी ने क्लेम नहीं किया रहेगा। तो आप आकर स्लैश क्लेम लिखिए गाइस एंड आपका लैंड क्लेम हो जाएगा बिना सवाल के। तो ऐसे दूसरा तरीका है, तो आपको गोल्डन सवाल किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड गोल्डन सवाल सिर्फ ज़्यादा बड़ा एरिया क्लेम करने में काम आता है। एंड गाइस, अगर आपको यहाँ पर जो अगर आपने कहीं गलती से भी क्लेम कर लिया है, अगर चाहते हैं आपको जो मैंने क्लेम किया उसमें आपका ब्लॉक चला जाता है क्लेम वाला ब्लॉक, तो बस उसको अगर आपको वापस लेना है, आपको वहाँ पर क्लेम नहीं करना है, आपने गलती से कर दिया, तो भी एक तरीका है गाइस वहाँ से अनक्लेम भी कर सकते हैं। सो मान लो गाइस मुझे यहाँ पर क्लेम नहीं करना, तो मैं बस स्लैश लिख रहा हूँ। एंड एक मिनट गाइस, स्लैश UNNCLAIM स्लैश अनक्लेम। एंड गाइस देखो गाइस, मैंने अनक्लेम कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं मैं आपसे ऐसे ही और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।